हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू गाज़ियाबाद ब्लूमिंग चैनल। और सबसे पहले आप सभी लोगों को भाई दूज की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने भाई दूज पर ये सूजी की बर्फ़ी बनाई थी जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे तो ये वीडियो कल का है लेकिन मैंने इसे अपलोड आज किया था। और सूजी का हलवा तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा। अब इस फेस्टिवल पे सूजी की बर्फ़ी भी बनाइएगा, टेस्ट करिएगा, बहुत अच्छी बनती है। और मैं इससे पहले आप लोगों के साथ में अपने दिवाली फेस्टिवल की कुछ झलकियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले आइए वो देखते हैं हमने ये फेस्टिव कैसे मनाया, ये फेस्टिवल कैसे बनाया, उसके बाद हम अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, ये हमारे घर का मंदिर है जो दीपावली में हमने सजाया था, लाइटिंग वगैरह भी की थी। और ये देखिए, ये सीलिंग है, ये बच्चों ने वीडियो शूट किया है। ये सीलिंग पर एलईडी लाइटें लगी थी और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और दिवाली फेस्टिवल ऐसा है कि इसमें जितनी भी रोशनी कर दी जाए उतनी कम है। और ये देखिए, अब हम अपने सूजी की बर्फ़ी की तैयारी करते हैं। ये पैन मैंने गैस पे रख दिया है और दूसरी तरफ ये दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये 2 कप दूध है और आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी एक कप ले लीजिए, सारा मेज़रमेंट आप उसी से ही करेंगे तो फिर मेज़रमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पहले हमने पैन में ये 1/4 कप देसी घी डाल दिया है। घी को हम अच्छा सा थोड़ा गर्म कर लेते हैं जिससे कि सूजी जल्दी ही उसमें भुन जाएगी। और बस उसके बाद ये 1 कप सूजी है जो मेज़रमेंट में 200 ग्राम होगी। और अब घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सूजी को भून लेते हैं। सूजी को इस वक्त फ्लेम को जो है हमें लो टू मीडियम रखना है, तेज नहीं रखना है। और सूजी आप महीन या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं, दोनों ही सूजी से जो बर्फ़ी है वो अच्छे से बन जाएगी। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम बराबर चलाते रहेंगे क्योंकि अगर बराबर नहीं चलाएंगे तो सूजी जो है वो जल जाएगी, इसलिए बराबर हमें फ्लेम पर चलाते हुए सूजी को भून लेना है। अब दूसरी तरफ देखिए, दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस दूध में ये कुछ सैफ्रन लीव्स हैं और ये हम इसमें डाल देते हैं जिससे कलर अच्छे से आ जाएगा और खुशबू भी। और बस इधर देखिए, हमारी सूजी भुन चुकी है और अब ये दूध हम इस सूजी में डाल देते हैं। और उसके बाद इसको अब इस वक्त बराबर चलाना है, अगर हम बराबर नहीं चलाएंगे तो स्पेस में जो है लम्ब से बन जाएंगे। तो इसको बराबर चलाते हुए सूजी को अच्छे से दूध में मिक्स करके इसका पेस्ट सा बना लेना है। और ये देखिए, इसमें गाँठे हैं, अगर हम इसको बराबर नहीं चलाएँगे तो यह ऐसे थिक सा पेस्ट बन जाएगा और अजीब सा लगेगा, इसलिए इसको बराबर चलाते रहना है। ये देखिए, इस तरीके से अब सूजी जो है दूध में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। बस अब सूजी दूध में मिक्स हो चुकी है। ये देखिए, पेस्ट गाढ़ा होने लगा हैगा, सूजी भी फूल आई है। अब ये इस पॉइंट पे आके हम इसमें चीनी डाल देते हैं। ये चीनी भी 1 कप चीनी है और वैसे आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और बस अब चीनी को भी इसमें मिक्स कर लेना है जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती है। और चीनी भी जब मेल्ट होगी तो उसमें थोड़ा सा ये देखिए पेस्ट पतला हो जाएगा। और इस जगह पर आ कर के ये थोड़े से 1/2 कप क्रस्ट बादाम है और जो रोस्टेड भी हैं इनको इसमें पेस्ट में मिक्स कर लेना है और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा आपकी बर्फ़ी में। और बस ये देखिए, हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। ये प्लेट है जो मैंने पहले से ही घी से ग्रीस करके रख ली थी। अब इसमें हम अपने पेस्ट को अच्छे से इवेनली फैला देते हैं। ये देखिए, चारों तरफ से पेस्ट अच्छे से फैला दिया है। अब थोड़े से कट किए हुए बादाम हम इसके ऊपर भी स्प्रेड कर देते हैं जिससे जो है बर्फ़ी खाने में भी और देखने में भी बहुत टेस्टी लगेगी और इसका टेस्ट वाकई में बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। और इस जगह पर आकर ये देखिए, बच्चों की भी मस्ती शुरू हो गई है, अलग अलग तरह की आवाज़ों में गाना गा रहे हैं, यहाँ पर फुल इंजॉय के मूड में है। और बस बर्फ़ी ठंडी हो गई थी और हम अपनी पसंद के शेप है, तिकोने, चौकोर, कैसे भी जैसे भी शेप हमें पसंद हो वो बर्फ़ी को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए,
देखिए हमारी कितनी टेस्टी और कितनी अच्छी बर्फी बन के रेडी हो गई है। और देखिए देखने में भी कितने सुंदर और कितने फाइन पीस आए हैं, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी और डिफरेंट है। और ये देखिए ये रंगोली जो है मेरी बेटी ने बनाई थी। और ये भी देखिए शाम का टाइम था जब मैंने बर्फी बनाई थी, इस वक्त 5 साढ़े 5 का टाइम होगा। और कल देखिए अचानक से वेदर बिल्कुल चेंज हो गया, इतना ठंडा मौसम हो गया, बारिश हो गई थी। और देखिए ये हमारी रोड भी इतनी गीली हो चुकी है, और एकदम से मौसम चेंज होने से एक बहुत ही ज़्यादा से ठंड हो गई थी, एकदम से टेम्परेचर डाउन हो गया। देखिए कैसा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना हो, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। और मैं अपना आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, अपने नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।